तो अभी जैसा कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो अब ज़रूरत पड़ने वाली है पानी को गर्म करने के लिए इमर्शन रॉड्स की। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं इस लेज़र की, जो ये इमर्शन रॉड है ऑटो थर्म वाली, परचेज़ करने की, तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा पता लगाने में कि आखिर क्या क्या अलग फीचर है इस इमर्शन रॉड में। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये इमर्शन रॉड आती है वो है लेज़र कंपनी की, और ऐसी कुछ इसका बॉक्स है। तो इस बॉक्स पे एक तो इसकी जो पिक्चर है वो दी हुई है, और यहाँ पे नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एको थर्म। और ये मेरे पास 1500 वॉट वाली जो रॉड है वो वेरिएंट है, ऑटो इमर्शन वाटर हीटर है ये। इस साइड इस पे बात करें तो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे हैवी कॉपर हीटिंग एलिमेंट, यहाँ पे निकल प्लेटिंग है जो कि कोरिजन रेजिस्टेंट है, यहाँ पे ऑटो टेम्परेचर कंट्रोल है, स्पायरल डिज़ाइन हीटिंग एलिमेंट फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग, स्टडी बकेट क्लिप है, यहाँ पे एनर्जी एफिशिएंट है। कुछ तरीके बताए हुए हैं कि इसको किस टाइप से हमें लगानी है। यहाँ पे इसकी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है, ISI मार्क है जो कि सेफ्टी पर्पस के हिसाब से है यहाँ पे। और बॉक्स पे और बात करें तो यहाँ पे इस साइड यहाँ पे देखिए बाकी डिटेल्स मिल जाती हैं कि ये इमर्शन वाटर हीटर है, ये 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज AC पे काम करता है, 1500 वोल्ट का है। और यहाँ पे क्या है, एक तो वारंटी मैनुअल है, एक बेसिक यूनिट है, और 855 की इसकी MRP है जो कि अभी सेल के अंदर हमें लगभग 500 से 600 रुपये में मिली है अमेज़ोन पे। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ पे ये बडली की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, और जो इसका मेन ऑफिस है वो है यहाँ पे न्यू दिल्ली में। तो ये से कुछ बॉक्स है। बॉक्स के अंदर की बात करें तो बॉक्स के अंदर से हमें ये कुछ चीज़ें मिलती है। ये रोड मैंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है तो इसकी कंडीशन थोड़ी सी ऐसे हो रखी है, क्योंकि मैं इसको पहले टेस्ट करना चाहता था वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने इसको चीज़ें टेस्ट कर लिया। साथ में यहाँ पे ये मिलता है एक वारंटी या जो भी कहें वो मैनुअल, इसके अंदर यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं इसके बारे में, ये क्या क्या है इसमें। तो यहाँ पे एक थर्मोस्टेट भी मिलता है इस रोड के अंदर, जो कि जैसे ही ये रोड एक्स्ट्रा गर्म हो, जैसे ही ये रोड एक्स्ट्रा गर्म होती है तो ये ऑटोमेटिक ही पावर को कट कर देता है। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो अभी यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वारंटी के वो दिए हुए हैं यहाँ पीछे, तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। यहाँ पे लिखा हुआ तो है कि भाई 24 फ्रॉम द डेट ऑफ द परचेज अगेंस्ट द ओरिजिनल डिफेक्ट। तो इसको अभी साइड में रख देते हैं। और ये है हमारी जो रोड है वो। तो सबसे पहले मैं इसके वायर की लेंथ की बात करूँ तो वायर मुझे जो मिला है वो मैं एक बार नाप लेता हूँ। तो यहाँ पे जो ये कॉर्ड की लेंथ आ रही है वो आ रही है 4 फीट, और यहाँ पे अप्रोक्स 9-10 इंच। तो मेरे पास जो दूसरी इमर्शन रॉड है उससे तो इसकी काफ़ी लंबी है जो इसकी। अब इसकी बॉडी की बात करें तो ये ऊपर जो जितना भी आपको पार्ट मिलता है ये मिलता है प्लास्टिक का, और यहाँ पे टॉप पे बात करें तो टॉप पे यहाँ पे एक आप दिया हुआ है ये लेबल लेज़र का ओरिजिनल का लेबल, और यहाँ पे ये लाइट दी हुई है जो कि जब ये इमर्शन रॉड फंक्शन रहती है तब ये लाइट यहाँ पे रेड कलर में ग्लो करती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये देखिए जो इसकी कोड थी उस पर कुछ रेटिंग्स भी लिखी हुई है, ये है केबल्स फ्रॉम 1100 वोल्ट, और ये 3 कोर वाली केबल है। इसकी पिन की बात करूँ तो यहाँ पे पिन आपको ये इस टाइप से 3 वाली मिलती है जो आपके नॉर्मल छोटे वाले प्लग है उसमें भी आ जाएगी, और जो 12 एम्पियर वाले बड़े प्लग हैं उनमें भी आ जानी चाहिए। तो ये नॉर्मल ही साइज है पिन का।
अब यहाँ पे जो इसके हीटिंग एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट ये नीचे देखिए, पहले तो जो ये बेस है यहाँ पे मेटल दिया हुआ है, तो इसको भी वैसे ऑलमोस्ट अच्छा सा पैक किया हुआ है, मतलब कि जब पानी गर्म हो जाता है तो उसकी वेपर्स ऊपर जाके जो सर्किट है उसको इतनी ईजीली डैमेज नहीं कर सकती। यहाँ पे रोड के ऊपर कुछ इसका मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल दोनों दिए हुए हैं, तो इसके बीच में आपको पानी रखना है, नहीं तो ये क्या होता है कि जो ये एलिमेंट है ये ओवर हीट होके और ये ब्रस्ट कर जाता है, टूट जाता है, मतलब फट जाता है। और यहाँ पे एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि जो हीटिंग कंडीशन है इसमें ये बकेट को टच नहीं करना चाहिए, तो वैसे प्रेफर ये करना चाहिए कि आप मेटल की जो बाल्टी है या बकेट है उसी के अंदर इमर्शन रॉड का यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक की में अगर यूज़ करेंगे और गलती से अटैच हो जाएगा तो वो प्लास्टिक को जला देगा। यहाँ पे एक ये थर्मोस्टेट दिया हुआ है जो कि एक पानी को एक लिमिट है इसमें जो सेट की हुई है, वो अराउंड 75 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जब पानी का टेम्परेचर पहुँच जाता है तो ये जो इमर्शन रॉड है ये ऑटो कट हो जाती है, और यही सेफ्टी फीचर है जिसके कारण कि ये एक्स्ट्रा गर्म होने से बचाता है। नहीं तो नॉर्मल रोड्स में क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है और वो इतना गर्म हो जाता है कि वो खुद के सर्किट को और इनको ही डैमेज कर देता है, तो ये यहाँ पे सेफ्टी फीचर बड़ा ही अच्छा फीचर है। तो इस रोड को मैंने ट्राई किया था जो कि 10 लीटर की बकेट है, उसको इसने मतलब जो 10 लीटर की बकेट है उसमें इसको ऑटो कट होने में लगभग 20 मिनट लगे थे, और ऑटो कट में जो टेम्परेचर है वो 75 से 80 जाता है जो कि काफ़ी गर्म होता है, तो मैं नॉर्मली इसको इतना यूज़ करता ही नहीं, मतलब मैं 10 लीटर की जो बकेट है उसको मात्र 10 मिनट ही हीट करता होगा और वो सफिशेंट होता है उसको मिलाने के लिए 50 से 60 लीटर पानी के अंदर, तो काफ़ी बढ़िया है, स्पीड से भी हो रहा है। जो सेफ्टी फीचर्स के नाम पे इंडिया के अंदर जो दो ही रोड्स मिलती हैं ऑटो कट वाली, एक तो हैवल्स की आती है जो कि 1100 रुपये के अराउंड आती है, और एक ये लेज़र की आती है जो लो कैटेगरी की आती है जो कि 500 से 600 रुपये की आती है। तो इसको अभी यूज़ कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल तो ये काफ़ी बढ़िया चल रही है, मैंने इसको काफ़ी बार यूज़ किया है अभी, तो मतलब इसको मैं लगभग 7-8 बार यूज़ कर चुका हूँ और अभी तक कंडीशन ठीक है, तो मैं एक बार आपको इसको पानी में लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 10 लीटर की बकेट है जो कि अपनी एशियन पेंट की आती है, ये प्लास्टिक की बकेट है, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप प्लास्टिक के बकेट के अंदर पानी को गर्म करें, बट मैंने यहाँ पे जुगाड़ कर रखा है, एक लकड़ी लगा रखी है और उसके कारण ये क्या बिल्कुल बीच में सेंटर में है, तो ये कहीं पर भी टच नहीं हो रही, और ना मैं इसको इतना ज़्यादा ऑटो कट तक की लेवल तक लेके जाता हूँ ताकि ये इतना गर्म हो, मैं इसको 5-10 मिनट ही गर्म करता हूँ ताकि जो यूज़ेबल है उतना ही पानी गर्म हो जाए। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है कि आप इसको प्लास्टिक की बकेट में यूज़ करें, आप इसको मेटल की बकेट में यूज़ करें, और उसमें भी आप इस तरह से बीच में एक लकड़ी लगा के उसको बीच में रख सकते हैं ताकि पानी अच्छे से और इवनली वो हो। तो मैं देखो इसको ऑन कर देता हूँ, ऑन करते ही यहाँ पे ये इस तरह से लाइट जल जाती है, तो जब पानी 75 डिग्री सेंटीग्रेड या 80 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हो जाता है तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी, आप ये बंद हो जाएगी, तो ये इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है, आपको इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि भैया पानी ओवरहीट ना हो जाए, ये ऑटोमेटिकली उसको कट कर देता है। तो अगर आप ये रोड लेने की आप प्लान कर रहे हैं तो होप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प हुई होगी। जो नॉर्मल रोड्स हैं उनसे बेटर होता है ये ऑटो कट वाला रोड, या फिर एक आता है सबमर्सिबल वाला रोड, तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, तो ऑटो कट में भी दो ही रोड हैं, हैवल्स का और एक ये, तो ये एक बजट फ्रेंडली और अच्छा है जो कि आपको सेफ्टी फीचर भी देता है, और बाकी जो 100-200 रुपए वाले जो रोड्स आते हैं उनमें सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं होता, उसमें आपको बिजली का झटका भी लग सकता है और भी वहाँ काफ़ी नुकसान हो सकता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आपको बिजली का झटका नहीं लगेगा जब तक कि ये एलिमेंट फट ना जाए, और ये हार्ड वाटर के अंदर फटता है, मतलब पानी अगर हार्ड होगा तब जाके ये एलिमेंट काफ़ी नुकसान हो जाएगा, तो इसको चेक करते रहना है, ध्यान रहे, कई बार होता है यहाँ पे कुछ जम जाता है, आप उसको उतारने के लिए इसको ऐसे ठोकते हैं, इसको ठोकना नहीं है बिल्कुल भी, आप इसको किसी कपड़े से इससे पूछ ली साफ़ कर लीजिए, वो सफिशिएंट होता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और किसी भी तरह से इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।